कि तोते की जान राक्षस में होती है और राक्षस की जान तोते में होती है। आज हमें सीखने को मिला हल्द्वानी नगर निगम से कि राक्षस कौन है और तोता कौन है। मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा सीमा को पार कर चुके हैं, तो सीमा को पार करने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनको विधिक रूप से भी अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर करूँगा। हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर विपक्षी पार्षदों की उपेक्षा करने की बात कही। इस दौरान सभी कांग्रेसी पार्षदों के साथ नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने बिल में आकर जमकर विरोध किया, साथ ही मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। इस कार्यालय की अंतिम बोर्ड बैठक में आज बजट भी पेश किया गया। अपने वार्डों की उपेक्षा से नाराज अधिकतर पार्षदों ने हंगामा करते हुए यह कहा कि फायदे के बजाय नगर निगम द्वारा 3 करोड़ के घाटे का बजट दिखाया जा रहा है। वहीं बोर्ड बैठक समाप्त होने के बाद मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी पर मानहानि का दावा करने की बात कही है। मेयर ने कहा कि रवि जोशी बेवजह आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, मेयर ने कहा कि रवि जोशी कहीं और से तोते की तरह संचालित होते हैं, जो होटल में बैठक करते हैं और बोर्ड मीटिंग में नीचे बैठ जाते हैं। बोर्ड बैठक में कुछ भी खास नहीं है, रटा रटाया दो चार चीजें हैं। खास अगर कुछ है तो एक चीज बहुत खास है जो मेयर साहब ने कही है कि तोते की जान राक्षस में होती है और राक्षस की जान तोते में होती है। आज हमें सीखने को मिला हल्द्वानी नगर निगम से कि राक्षस कौन है और तोता कौन है। क्या चीजें आप रख रहे हैं अपने वार्डों की? देखिए, हमने अपने वार्डों की समस्या रखी है। जो कालाडूंगी रोड में जल भराव रहता है, सबसे बड़ा जल भराव, उसके बारे में हमने इनसे कहा है। और जो इनका एक नारा जाता है कूड़े की गाड़ी में स्वच्छता के लिए कि रोड में कूड़ा होगा, आग लगाना कानूनी अपराध है। जो टंचिंग ग्राउंड में इनका कूड़ा पड़ा रहता है, जो आग लग रही है रात दिन, वो क्या अपराध नहीं है? इनके अपराध और इनके नियम यही तय करते हैं। बजट सत्र पेश कर रहे हैं और बजट सत्र में मोटा मोटा ही नगर निगम को 3 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं। बजट सत्र इन्हीं के वहाँ से बनाया हुआ है और सब गोलमाल दिखा रखा है उसमें। क्या मांग करते हैं? हम तो कहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मेयर साहब को इधर उधर की बातें ना करके जो बोर्ड बैठक का विषय है उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद ये सब हल्द्वानी की जनता होने वाली है। अच्छे प्रतिनिधि की पहचान है, वो चर्चा करे, स्वस्थ चर्चा करे, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखे। खाली घोटालों का आरोप लगा देना, ये लगा देना, इससे कोई सहमत नहीं होगा। राक्षस की जान कहीं तोते पे है, राक्षस कहीं बैठा है तोता बोल रहा है, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा सीमा को पार कर चुके हैं। उस सीमा को पार करने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनको विधिक रूप से भी अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर करूँगा। किस तरह मतलब सदन की मर्यादा होती है, व्यक्ति की मान होती है, उस मानहानि को लेकर मैं उन पर जल्द ही उनको नोटिस सर्व किए जाएंगे। संवैधानिक कार्रवाई के तौर पर क्या जिस तरीके से हमें संसद में देखने को मिला, वही हल्द्वानी की संसद में देखने को मिल सकता है? देखिए, जिससे क्या है, प्रस्ताव आते हैं, शहर के हित के प्रस्ताव हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बोर्ड की बैठक 2 दिन में ख़त्म करो या 5 दिन में ख़त्म करो, या किसी पार्षद से मैं कभी आग्रह नहीं करता कि आपको बोर्ड में ये कहना है। आपको प्रस्ताव हमने दे दिए हैं, प्रस्ताव पर चर्चा करिए। कई प्रस्ताव आपके द्वारा हैं, कई प्रस्ताव पब्लिक के हैं, कई प्रस्ताव अन्य चीज़ों के हैं, उस पर चर्चा करिए, स्वस्थ चर्चा।